हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे परिचौधरी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आलूओं से चटपटा नाश्ता, जिसके लिए हमने चार आलू लिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाली वीडियो हमारे यहाँ आप तक पहुँच सके। आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कटोरी मैदा ली है। मैदे में हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ऑयल डालेंगे, ऑयल हम दो बड़े चम्मच डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से कर करके इसको अच्छी तरह से सारे में जो ऑयल हमने इसमें डाला है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब इस तरह से लड्डू बनने लगे तो समझ लो कि मोइन परफेक्ट पड़ा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डो बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह का हमें डो बनाकर तैयार करना है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। अब हम आलूओं को स्पून की मदद से, फोक की मदद से अच्छी तरह से बारीक करेंगे। बारीक करके हमें ये बिल्कुल बारीक बारीक करके फोड़ने हैं। आलूओं को हमने बिल्कुल बारीक करके फोड़ लिया है। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने इसमें डाल दिया है ऑयल। जीरा डालेंगे। हींग डालेंगे। अब डालेंगे इसमें हम आलू। अच्छी तरह से भूनेंगे। हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे, धनिया डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब सारे सामान को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। 10-15 मिनट हो चुके हैं। मैदा को देखते हैं कैसी बनी है, कैसी हो गई है। देखो ये इस तरह की अच्छी हो गई है। अब हम इसके पेड़े तोड़ेंगे। इतने बड़े बड़े हमें पेड़े तोड़कर तैयार करने हैं। अच्छी तरह से इसका पेड़ा बनाकर हम इसको बेलेंगे। बेलन की मदद से रोटी की तरह पतला बेलना है। इस तरह से बेलकर तैयार करना है। अब इस पर हम लगाएंगे स्टफिंग जो हमने आलू की बनाकर रखी है। इसको अच्छी तरह से इस पर चारों तरफ फैलाएंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ स्टफिंग लगानी है। अब इसको हम कट करेंगे। इस तरह से हम इसे काटेंगे।
इस तरह से हमने काट लिया है। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से उठाकर इस तरह से रोल करेंगे, इस तरह से रोल करेंगे, इस तरह से। और इसको अच्छी तरह से यहाँ ज्वाइंट करेंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से हमें सारे इसी तरह से बनाकर तैयार करने हैं। सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके और मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। पहले हम एक तरफ से इसे अच्छी तरह से सीकने देते हैं, बाद में हम इसको अलट पलट कर सीकेंगे। अब इसको हम पलटेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मीडियम आंच ही रखनी है हमें। अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हुए हैं। एकदम बहुत अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, एकदम कुरकुरा खस्ता, एकदम खस्ता कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली वीडियो हमारे यहाँ तक पहुँच सके। और कमेंट में बताना कि आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना खस्ता नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। बाय बाय।